गाइस आज है दिन बुधवार। आज हम लोग रील्स बनाने आए हैं। रील्स में ऐसे ऐसे कंटेंट डालेंगे आपको, उसका बीटीएस दिखाएंगे प्रॉपर, कैसे हम लोग रील्स बनाते हैं अपना स्टूडियो में एकदम रील्स, प्रॉपर रील्स हम लोग की बनती है। दो तीन घंटे में दो तीन रील्स बन जाती है, उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा। हेलो दोस्तों, तो ये है सारांश भैया और ये रील्स बनाने के लिए मुझको बोल रहे हैं, मुझको तो एक यूट्यूबर को रील्स बनाने को बोल रहा है। मैं ये खाता हूँ चुविंगम और इसके बाद मैं खुद इनके साथ शामिल हो जाऊंगा रील्स बनाने के लिए। हालांकि मैंने नीचे पॉली पैकेट फेंक दी। बैठो, ये रील्स बन गई, ये रील्स का कंटेंट। ये हमारे भाई साहब कॉमेडियन है, टिक के बारे में हर एक चीज जानते हैं। ब्लॉग शूट हो रहा है यहाँ पे, सब जनता देख रही है तुमको कि तुम किस तरह कर रहे हो। उलझुल हरकतें मत करो, ढंग से रहो। तुम लोग रील्स बनाओ, मैं अपनी सेटअप करता हूँ कैसे भी करके। गाइस तो आप देखिए, ये लाइट सेटअप करने के लिए बना रहा है, बनाया जा रहा है, वो परसों से बनाया जा रहा है गाइस। तो हम लोग परसों से वीडियो डाले, क्या करूं, बना रहा हूं भाई। वो परसों से शूट किया जा रहा है ये, इसका ये परसों का है, ये परसों का है, परसों का झूल रहा है। और ये गंदगी देखिए, इसके रूम की हालत। हम लोग स्टूडियो वहां बना रहे थे, ये स्टूडियो हम लोग का बर्बाद हो गया। हम लोग का स्टूडियो यहाँ पे पूरे बॉटल्स पड़े, कोई काम की बॉटल्स नहीं है। यहाँ भी स्टूडियो है, इसका ही बन रहा है। एक ही कपड़े में पूरा दिन रहता है, एक कपड़ा है सिर्फ। अपने अलमारी में 500 कपड़े रखा है, बट पहनेगा एक कपड़ा। क्यों? क्योंकि क्योंकि पसंद किसी और की है, इसलिए वो कपड़े को पहनता है। तो पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, जान है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। लड़के की शादी, आपको एक बात बताऊं, लड़के की शादी होने वाली है मार्च में, इसीलिए आना है, सबको आना है, जरूर आना है, सबको आना है। मुझे खुद भी नहीं पता कौन सी लड़की है। तुमको पता है, सब पता है। हम लोग ढूंढ चुके हैं शादी, लेकिन मार्च में करनी है, मार्च में करनी है। देखो ब्लेसिंग आ रही है चेहरे पे लड़के की। ये लड़का एकदम खुश है, खुश मिजाजी है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बताइए इधर देखिए, जनता को बताइए, पब्लिक को बताइए, कहना क्या चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहते गुरु। तो शादी करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? लड़की का नाम बता दीजिए। क्या बर्बादी, क्यों बर्बादी है? आपके साथ आपके कहा शादी हो चुकी है क्या? एक साथ शादी क्या? इन्होंने ही बोला है बर्बादी, इन्होंने ही बोला देखिए बर्बादी। क्यों बंद करे, बताओ तुम, शादी हो चुकी की नहीं हुई है? तो चलिए हम लोग आज की रिपोर्टिंग यही पे समाप्त करते हैं अभी कुछ देर के लिए, फिर उनका काम हो जाए, फिर हम लोग इनसे यही टॉपिक पूछेंगे कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो आप बने रहिए ये पता करने के लिए कि ये दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने ही बोला है कि ये शादी क्या है, क्या बोले हो? एक बर्बादी है। इन्होंने बोला था शादी एक बर्बादी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने दो तीन बार शादी की है? क्यों इनको दो तीन बार? हाँ भाई, बर्बादी क्यों है? इन्होंने दो तीन बार की होगी तभी ये बोल रहे बर्बादी है। हम लोग तो एक्साइटमेंट है शादी हो जाए, शादी से पहले करियर बन जाए, फिर उसके बाद ठीक है। बार बार मुझे क्यों ले रहे? हाँ, ब्लेसिंग आ रही है चेहरे पे, ये खुशी आ रही है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग अभी यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं कुछ देर बाद। ये फ्री हो चुके हैं और हम फिर आए रिपोर्टिंग करने। तो हाँ बताइए, शादी बर्बादी क्यों है? आप बताइए जल्दी, बोलिए। शादी नहीं हुई तो कहाँ हुई? तो आपने फिर क्यों बोला ये बर्बादी है? हम ये जानना चाहते हैं भाई, मैं इससे सीख लेना चाहता हूँ ना, कि फिर मैं भी शादी ना करूँ। शायद आपने किया हो दो तीन शादी, बैठी लो। ये जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा सवाल है, ये पूरा हिंदुस्तान पूछता है शादी की बर्बादी क्यों है। आपने गलत इल्जाम लगाया है शादी पे, बताओ क्यों बोले हुआ था? हम लोग मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा, गलत इल्जाम लगाए हो। तो चलिए हमारी रिपोर्टिंग खत्म होती है, यहाँ पे डंडे उठा लिए। और अरे डंडे कोई बात नहीं, बताओ उसने गलत इल्जाम लगाया है। जल्दी बोले, हम लोग को जाना भी है, घर जाना है हम लोग को, पूरा एडिट करने के डालना भी है, मुस्कुराना है, बेसिक मुस्कुरा कह रहे हो तब। चलिए ठीक है, तो इनका जवाब नहीं है।
तो हम इनसे कभी पता करेंगे पूछताछ के, फिर इसको चुपके से वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठोक दीजिए। अब तुमको तो मैं बोलूंगा, तुमने इल्जाम लगाया हिंदुस्तान पे कि शादी बर्बादी है। तो मिलते, अरे तुम मार धार मत दिखाओ, तुम्हें मत दिखाओ। कैमरामैन सारांश के साथ रिपोर्टर आकाश पांडे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के।